नमस्कार बच्चों, आज हम आपको सर्प्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सर्प्स ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम हिंदी में झाड़ियाँ भी कहते हैं। ये बूढ़ी और सेमी बूढ़ी नेचर के पेरिनियल या बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जिनकी जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर से 4 मीटर तक होती है। ये जो पौधे हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ये टाल होती हैं, मीडियम होती हैं और ड्वार्फ नेचर के होते हैं। कुछ ऐसे सर्प्स हैं जो टाल नेचर के होते हैं, कुछ मीडियम टाल या मीडियम नेचर के होते हैं और कुछ ड्वार्फ नेचर के होते हैं, जिनका शेप साइज छोटा होता है। इनका जो उपयोग है वो हम कई तरह से कर सकते हैं। जो फ्लावरिंग के लिए होता है, मोस्टली झाड़ियाँ फ्लावरिंग फल फूल और ग्रीनरी दोनों देती हैं। तो जहाँ हम जो फलदार की बात करते हैं, तो फलदार झाड़ियाँ वे झाड़ियाँ होती हैं जिनमें हमें खाने के लिए फल मिलते हैं और इनका और तरह से भी उपयोग कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, करौंदा होता है। करौंदा आपको आपने देखा फल बाज़ार में मिलते हैं, छोटे छोटे फल होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं। तो इन पौधों को हम एज ए सर्प्स ग्रो करते हैं, इनकी हम फेंसिंग के तौर पर भी लगाते हैं और फेंसिंग के साथ साथ हमें इसके फल भी मिलते हैं। तो जो सर्प्स हैं वो फूलदार सर्प्स होते हैं, जैसे गुड़हल है, एक्जोरा है और भी कई तरह के सर्प्स हैं जिनमें हम फूल आते हैं, तो फूलदार सर्प्स होते हैं। और ऐसे सर्प्स होते हैं जिनसे हम डिफरेंट तरह के सेप भी बना सकते हैं, जिसे हम टॉपियरी कहते हैं। तो जैसे थूजा है या और तरह के सर्प्स हैं जिनसे हम टॉपियरी बना सकते हैं। टॉपियरी का मतलब है कि डिफरेंट तरह के सेप बना सकते हैं हम, जैसे जानवरों का सेप बनाना है या किसी विशेष सेप में हम पौधों को ढाल देते हैं और उनका सेप बनाते हैं, तो इसे हम टॉपियरी कहते हैं। तो जो सर्प्स हैं उनका उपयोग हम फेंसिंग के तौर पे, सर्वरी बॉर्डर के तौर पे और टॉपियरी की तरह कर सकते हैं। सर्वरी बॉर्डर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें। सर्वरी बॉर्डर प्लांट का लगाने का एक तरीका है। इसमें हम बॉर्डर में तीन तरह के सर्प चुनते हैं, टाल, मीडियम, ड्वार्फ, और उनको हम जहाँ हमारे पास एक लंबा स्पेस होता है गार्डन में या रोड साइड में, तो उसमें हम सर्वरी बॉर्डर लगाते हैं। तो उसमें पीछे पौधे जो होते हैं वो टाल नेचर के रखते हैं, बीच की रो में हम मीडियम और जो फ्रंट रो होती है उसमें हम ड्वार्फ नेचर के पौधे लगाते हैं। सर्वरी बॉर्डर में हम जो पौधों का जो सिलेक्शन करते हैं वो ऐसे पौधे करते हैं कि जो पीछे रो हो तो उसमें कलर कम्बिनेशन या कलर स्कीम के हिसाब से पौधों को चयन करते हैं, जिसमें हमें अपने बॉर्डर में अल्टरनेट बेड में विभिन्न कलर के फूल मिलें और सभी सीजन में फूल हमें मिलते रहें। तो कहीं कोई ग्रीन पौधा होगा जिसमें फॉलिएज मिलेगा हमें, कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनमें हमें फूल दिखाई देंगे। तो इस तरह से जो कम्बिनेशन बनता है उसे हम सर्वरी बॉर्डर कहते हैं। अब हम आपको इन सर्प्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। बच्चों, झाड़ियों के बारे में आपको बताने का उद्देश्य यह है कि आप विभिन्न प्रकार के झाड़ीदार पौधों से परिचित हो सकें और उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानें। आपके आसपास के परिवेश में एवं विद्यालय में विभिन्न प्रकार के झाड़ीदार पौधे देखने को मिल जाएंगे। आप उनकी पत्तियां एवं फूलों को एकत्रित करके हर्बेरियम फाइल बनाएं एवं पौधों के नाम, फूल आने का समय एवं उनकी उपयोगिता के बारे में भी लिखें। झाड़ीदार पौधे हम घर में एवं विद्यालय में गमलों में भी इंडोर प्लांट के रूप में लगा सकते हैं, जैसे कि क्रोटन, ड्रेसीना, गुड़हल आदि। इससे हमारे घर एवं विद्यालय का पर्यावरण शुद्ध होगा एवं हरियाली के साथ साथ फूल भी प्राप्त होंगे। अब हम जिस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस झाड़ी का नाम वो इकलीफा है। इसका कॉमन नेम कॉपर लीफ भी कहते हैं।
ये एवरग्रीन नेचर का सर्प्स है और इसकी जो हाइट है वो लगभग 3 मीटर तक हो सकती है। और ऐसे विभिन्न शेप में, जैसे जब हम इसे एज ए हैज लगाते हैं, साइज को अपनी आवश्यकता अनुसार कटाई छटाई से देखे इसके हम आकार को मेंटेन करते हैं। इसकी जो विशेषता है, इसमें जो पत्तियों का कलर होता है वो कई तरह का होता है। इसमें कॉपर कलर की पत्तियाँ भी होती हैं, कुछ ग्रीन होती हैं और कुछ पत्तियाँ वेरीगेटेड होती हैं। स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है और कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि पत्तियाँ कलर के साथ साथ उनका जो पत्तियों कर्ल शेप होती है, पत्तियाँ या इनवर्ड या आउटवर्ड में पत्तियाँ कर्ल होती हैं तो एक अलग लुक प्रदान करती हैं। और इस पौधे की विशेषता ये है कि ये हार्डी नेचर का है। हार्डी मीन्स में ऐसा है कि जहाँ सॉइल बहुत फर्टाइल नहीं होती है, पानी की कमी होती है, वहाँ भी पौधा ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको ब्यूटीफुल प्लांट है। इसका जो प्रोपोगेशन हम करते हैं वो कटिंग के द्वारा करते हैं। सेमी हार्डवुड कटिंग होती है उसकी, हम जब ये 2-3 महीने पुरानी ब्रांच होती है उसको हम काट के लगा देते हैं बरसात के सीजन में और ये पौधा आसानी से तैयार हो जाता है। अब हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं उस पौधे का नाम है बोगनविलिया और हमें विश्वास है कि इस पौधे को सभी बच्चों ने किसी न किसी रूप में ज़रूर देखा होगा। किसी ने अपने घर में उगाया होगा, किसी ने अपने स्कूल में देखा होगा। ये पौधा बुडी वाइन भी होता है, मतलब थोड़ा आप चाहो तो सपोर्ट से इसे डिफरेंट शेप में दे सकते हैं। जैसे घर के सामने गेट बनाते हैं जो आर्चेज होते हैं उनमें डिफरेंट शेप में इस पौधे को हम ग्रो कर सकते हैं। ये सर्प्स भी होता है, कटाई छटाई करके हम उसका रूप दे सकते हैं। तो और इसकी हैज में भी बनाते हैं, फेंसिंग में भी यूज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी हाइट है, जब किसी सपोर्ट देते हैं तो 15 से 40 फुट तक की ऊँचाई तक ये पौधा आगे बढ़ सकता है। लेकिन एवरेज हाइट में हम इसे करते हैं 4 से 5 मीटर में इसको हम शेप कर लेते हैं और जिस शेप में ढालना हो उस शेप में ढाल सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी जो हर्ड शेप पत्तियाँ होती हैं, थॉर्नी नेचर, मतलब इसमें कांटे भी होते हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं, बहुत वेरिएशन होता है। लीफ में भी आपकी ग्रीन कलर का पौधा होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बोगनविलिया की वैरायटी जिनमें वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, यानी कि हरी पीली में होती हैं। और फूल बहुत तरह के होते हैं, इसमें कई तरह के फूल्स होते हैं। कुछ सिंगल होते हैं, कुछ डबल होते हैं, कोई रेड कलर के होंगे, वाइट कलर के होंगे, पिंक कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे, कई तरह के फूल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही पौधे में कई तरह के कम्बिनेशन, जैसे रेड और वाइट कम्बिनेशन के फूल खिलते हैं। बहुत हार्डी नेचर का पौधा है। जहाँ पानी की कमी हो, जहाँ आप कोई भी पौधा उगाने में सक्षम ना हो, रॉकी लैंड हो, पथरीला इलाका हो और ज़मीन जो है आपकी बहुत फर्टाइल ना हो, उर्वरा शक्ति उस ज़मीन की अच्छी ना हो, उन सब स्थानों के लिए ये पौधा बहुत उपयोगी है। बिना पानी के, जब पानी का हम यूज कम करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है, जब पानी का यूज हम इसमें ज़्यादा करते हैं तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये पौधा हरा देखने में लगता है और फ्लावरिंग कम होती है। यानी कि गर्मी के सीजन में ये पौधा खूब फूलता है तो देखा जाए। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, इस पौधे में आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है ये पौधा। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कटिंग करते हैं, हार्डवुड कटिंग है, जो 1 साल पुरानी शाखा होती है उसको हम चाकू से या सेकेटरी से 10 से 12 इंच का एक टुकड़ा काट लेते हैं जिसमें 5-7 बड हों, पौधे को ज़मीन में कटिंग लगा देते हैं, नया पौधा तैयार कर लेते हैं। तो हमारे हिसाब से ये पौधा एक बहुत ही उपयोगी पौधा है और किसी भी क्षेत्र में बड़े आसानी से ये ग्रो हो सकता है। अब जो आप पौधा देख रहे हैं उसका नाम है रात की रानी। इसको इंग्लिश में नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहते हैं। और जैसा आप इसका नाम जानते हैं, रात की रानी, रात की रानी का मतलब ये है कि ये इसके फ्लावरिंग है रात में होती है। और विशेषता ये है कि जब ये फल इसमें फूल आते हैं तो पूरे आसपास सबको पता लग जाता है कि पौधे में फूल आए हुए हैं, क्योंकि बहुत हाईली सेंटेड प्लांट है ये। बहुत अच्छी खुशबू आती है रात में और पूरे इस वातावरण को ये सुगंधित कर देता है ये पौधा है। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, चिकनी होती हैं, खूबसूरत होती हैं। और ये बुशी नहीं, झाड़ी वाला पौधा है इसकी, और आवश्यकता अनुसार 10 से 12 फीट तक इसकी ऊँचाई हम जा सकती है। और इसका जो फैलाव है 5-6 फीट तक होता है हॉरिजेंटली। और सबसे बड़ी यह है कि कटाई छटाई से देखे इसको हम आकार को अपने हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं इसका। और
छटाई के में ध्यान ही रखना चाहिए कि जब फूल आने को हो तो हमें छटाई नहीं करना चाहिए, फूल आने के बाद में छटाई करनी चाहिए, क्योंकि जब फूल आने के बाद छटाई करते हैं तो हमारा फ्लावरिंग सीजन निकल जाता है और साल में 4 बार इसमें फूल आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को केयर के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब हमें उसकी प्रूनिंग करनी कब नहीं करनी है। तो 4 बार फ्लावरिंग का मतलब है कि अल्टरनेट देखा जाए तो साल भर इसमें फूल आते रहते हैं। और ये सबसे चीज़ है कि इस पौधे में विशेषता है कि इसके फूल छोटे छोटे होते हैं और वाइट कलर के होते हैं, रात में खिलते हैं, सेंटेड होते हैं। और इस पौधे को हम जो है बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोपोगेशन है वो कटिंग के द्वारा होता है। तो जो ओल्ड ब्रांच होती हैं, साल डेढ़ साल पुरानी ब्रांचें हैं, उनको जब हम कटिंग करते हैं तो कटाई के समय में अलग कर लेते हैं और इसकी कटिंग से हम पौधे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम जिस पौधे के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है गुड़हल। इसको हिबिस्कस भी कहते हैं और ये बहुत ही कॉमन पौधा है जो भारतवर्ष में हर जगह ग्रो किया जाता है। इसे गार्डन में भी ग्रो करते हैं और सबसे ज़्यादा उपयोगिता इसके घरों में है। हिंदुस्तान में हर परिवार अपने घर में गुड़हल का पौधा लगाना चाहता है क्योंकि उसमें हमें साल भर विभिन्न कलर के फूल मिलते हैं जो कि हम पूजा में यूज करते हैं। तो इस पौधे की मेडिसिनल वैल्यू भी है। इसके फूल में कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, फाइबर्स आदि चीज़ें होती हैं, तो उसका हम मेडिसिनल यूज भी है इसका। और साथ साथ इसकी जो हाइट है अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। एवरेज जो हाइट है वो 2.5 से 5 मीटर तक होती है, स्मॉल ट्री देखने में लगता है। और विशेषता ये कि आसानी से ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इस पौधे को हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कटिंग का यूज करते हैं। जो भी हार्डवुड कटिंग होती है, जो भी 1 साल पुरानी शाखा होती है, उसको हम काट लेते हैं और उसका यूज करते हैं। फूल विभिन्न कलर में होते हैं, रेड कलर में भी होते हैं, येलो कलर में भी होते हैं, पिंक कलर में भी होते हैं, ऑरेंज कलर में भी होते हैं, वाइट कलर में भी होते हैं। तो कई तरह के इसमें फूल पाए जाते हैं। इस पौधे में एक विशेषता और है, ये ऑक्सीजन तो देते ही हैं सभी पौधे, साथ साथ ये पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बड़ा उपयोगी पौधा है। अपने घर में इसे हम ग्रो करते हैं तो इन सब के साथ साथ ये हमारे वातावरण को भी शुद्ध करता है, चाहे वो डस्ट पॉल्यूशन हो या और तरह का पॉल्यूशन है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा लाभकारी पौधा है। अब जो पौधा आप देख रहे हैं इसका नाम एक्जोरा है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये ट्रॉपिकल श्रब्स है, मतलब ये प्लेन एरिया में आसानी से ग्रो हो सकता है। और इसका जो पत्तियों का कलर होता है और फूल का कलर होता है बड़ा ब्राइट होता है। पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती हैं, ब्राइट कलर की होती हैं, और फूल का कलर भी ब्राइट होता है। और फूल का जो विभिन्न कलर में फूल होते हैं, डार्क रेड भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, येलो भी होते हैं, फूल इसके खिलते हैं। और ये गुच्छे में फूल आते हैं क्योंकि फूल सिंगल होता है, लेकिन जब इकट्ठा गुच्छा बनाते हैं तो ये अपीयरेंस गुच्छे में दिखाई देती है। और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको हम गार्डन में बहुत एहतियात से उगाते हैं और जहाँ कॉमन प्लेस होता है, जहाँ जैसे घर के सामने हो या ऑफिस के सामने हो, जहाँ भी स्पेस मिलता है, और इसको हम विभिन्न तरह से ग्रो करते हैं। ऐसे हम पॉट प्लांट के तौर में भी ग्रो कर सकते हैं, प्रायः ऐसे हम बेड में ग्रो करते हैं और मेन बिल्डिंग के सामने, क्योंकि ये साल भर पौधा हमें फूल देता है और देखने में खूबसूरत पौधा है। कम केयर में ये पौधा तैयार हो जाता है, तो इस पौधे को ग्रो करने के लिए हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। एक्जोरा की जो हाइट है वो 4 से 6 फीट होती है और इसकी यदि हम कटिंग ना करें तो उसकी हाइट 3.6 मीटर, लगभग 12 फीट तक ये उसकी हाइट हो सकती है इस पौधे की। और इस पौधे में आपको बताया कि डिफरेंट कलर के फूल होते हैं और इसका जो प्रोपोगेशन होता है पौधे का वो हम कटिंग के द्वारा करते हैं। तो जो भी ब्रांचें निकलती हैं और जो ओल्ड ब्रांच होती हैं उनको हम काटते हैं और काटने के बाद में उसको हम कटिंग के तौर पे पौधे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पौधे में जो फूल आते हैं नॉर्मल फ्लावरिंग पीरियड जो है समर सीजन में आते हैं। तो क्योंकि समर सीजन एक ऐसा सीजन होता है कि प्रायः फूल कम देखने को मिलते हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है ये गार्डन के हिसाब से। अब जो आप पौधा देख रहे हैं इस पौधे का नाम है कनेर। ये बड़ा कॉमन पौधा है और सामान्यतः सभी बच्चों ने इस पौधे को देखा होगा। और इस पौधे का नाम होता है नेरियम ओलियंडर, और वैसे अंग्रेजी नाम ओलियंडर भी कहते हैं। और ये फूल वाला पौधा है, इसमें फूल आते हैं और इसकी जो हाइट है वो 10 से 12 फीट के आसपास होती है और इसकी पत्तियों की लंबाई 4 से 6 इंच होती है।
डार्क ग्रीन होती हैं पत्तियाँ, और कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं, स्पीसीज होती हैं पौधे ऐसे जिनमें वेरीगेटेड होती हैं, ग्रीन और येलो कलर की पत्तियाँ होती हैं। तो वेरीगेटेड भी होती हैं, डार्क ग्रीन भी होती हैं, और जिनकी लंबाई 4 से 6 इंच होती है, और चौड़ाई जो पत्तियों की होती है लगभग लगभग 1 इंच के आसपास होती है। पत्तियों के सिरे जो हैं नोकदार होते हैं और नीचे खुरदरे होते हैं, रफ़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन पौधों के पत्ते जो होते हैं खुरदरे होते हैं, रफ़ होते हैं, चौड़े होते हैं, वो पौधे हैं पॉल्यूशन के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जहाँ डस्ट पॉल्यूशन है या साउंड पॉल्यूशन है, ऐसे पौधे उपयोगी होते हैं। ये पौधा बहुत हार्डी नेचर का है, जहाँ पानी की कमी हो वहाँ पौधा ग्रो कर सकते हैं। पानी आप दे रहे तो और भी अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। और दूसरी बात, इसमें कलर कम्बिनेशन फूल का बहुत अच्छा होता है। इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं, डार्क रेड कलर के फूल आते हैं, वाइट कलर के फूल आते हैं, सिंगल भी आते हैं, डबल भी आते हैं। तो ये पौधा जो बहुत उपयोगी पौधा है, हर जगह लगाने के लिए पौधा बड़ा उपयोगी है, और ख़ासकर ऐसे प्लेस जहाँ पानी की दिक्कत है, रॉकी लैंड है, जहाँ प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, वहाँ ये पौधा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उस पौधे को मल्टीप्लाई करने के लिए हम कटिंग का यूज करते हैं। अब हम आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, उस पौधे का नाम है म्यूसेंडा। ये बड़ा ब्यूटीफुल पौधा है, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि डिफरेंट प्लेसेस में, ये घर के सामने जो हमारा स्पेस होता है गार्डन, वहाँ भी लगा सकते हैं, और जहाँ बाउंड्री वाल हो या हैज हो उसमें भी इस पौधे को लगा सकते हैं। उसमें जो फ्लावर्स होते हैं, एक्चुअल फ्लावर्स ना होकर सेपल्स होते हैं, जिनका कलर चेंज हो जाता है, डार्क रेड, पिंक, वाइट और भी कलर में होते हैं, जो मीडियम हाइट का है और हर परिस्थिति में इसे ग्रो कर सकते हैं। और साथ साथ जो है इसका जो पत्तों का कलर और फूल का कलर बड़ा कंट्रास्ट होता है रेड में, तो बड़ा खूबसूरत देखने में पौधा ही लगता है। और इसके लिए जो है माइल्ड इरीगेशन कंटिन्यूस रिक्वायर रहती है, और जहाँ सॉइल जो है पोरस होती है, फर्टाइल होती है, वहाँ पौधा और भी अच्छी तरह से चलता है। और ये सबसे बड़ी विशेषता है, ये एसिडिक सॉइल में इस पौधे को हम ग्रो कर सकते हैं, और सेमी सेड और सेडी कंडीशन में इस पौधे को भी ग्रो कर सकते हैं। और इसका जो प्रोपोगेशन है वो हम कटिंग के द्वारा इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। अब आप जो पौधा देख रहे हैं, उस पौधे के नाम है कैलेंड्रा। जैसा आपको दिख रहा है पौधा, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है और पेरिनल प्लांट है ये, क्योंकि सभी झाड़ियाँ जो होती हैं पेरिनल नेचर की होती हैं, बहुवर्षीय होती हैं। इसकी कटिंग न की जाए तो ये पौधा एक स्मॉल ट्री के रूप में दिखाई देता है, जिसकी हाइट 0.5 मीटर से लेकर 6 मीटर टाल तक हो सकता है ये पौधा। और इसकी बाईपेंडेंट लीफ होती हैं, इन्हीं मतलब छोटी छोटी पत्तियाँ दिखाई देती हैं, और ये स्प्रेडिंग नेचर का पौधा है और एवरग्रीन है ये, मतलब साल भर इस पौधा ये हरा रहता है। और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो नवंबर से अप्रैल तक के में आपको दिखाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगातार आपको फ्लावरिंग में ये पौधा देता है। उसके जो फ्लावर का कलर है, रेड कलर के भी होते हैं और पिंक कलर के भी होते हैं, और फूल जो देखने में लगता है ब्रश टाइप पे लगता है, जिसमें छोटे छोटे कई फ्लावर्स के कम्बिनेशन हो जाता है, साथ में जोड़ के एक ब्रश, बड़ा ब्यूटीफुल देखने में फूल लगता है ये। साइज और इस पौधे का जो है शेप है, वो अपने हिसाब से हम ट्रेंड कर सकते हैं उपयोगिता को देखते हुए। अब जो आप पौधा देख रहे हैं उसका नाम कामनी है, इसे मधुकामनी भी कहते हैं। ये चमेली ग्रुप का पौधा है, जैस्मिन ग्रुप का पौधा है ये, और इसकी जो शाखाएं होती हैं वो नीचे से मल्टी ट्रंक तरफ कहते हैं, इसे नीचे से शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। और इसकी जो हाइट है वो हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब इस पौधे की हम कटाई छटाई नहीं करते हैं तो एक स्मॉल ट्री के रूप में ये दिखाई देता है। यह एवरग्रीन नेचर का है, साल भर हरा रहता है, और पत्तियाँ चमकदार होती हैं और खूबसूरत होती हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके फूल जो होते हैं वो वाइट कलर के गुच्छे में लगते हैं, और बहुत सेंट होता है, बहुत खुशबू आती है। जब ये पौधा फूलता है तो शाम के टाइम जब आप देखेंगे तो चारों तरफ का वातावरण जो है खुशबू से भरा हुआ प्रतीत होगा, और साथ साथ हमें फ्रेशनेस महसूस होती है ये। और इस पौधे की जो विशेषता है कि इस पौधे को हम एज ए हैज भी लगा सकते हैं, एज ए फेंसिंग भी यूज कर सकते हैं, और साथ साथ इसे एज ए टॉपियरी भी यूज कर सकते हैं। इसके पौधे की ग्रोथ से हम अपने हिसाब से डिफरेंट शेप में वर्ड है या जानवर के रूप में शेप दे सकते हैं इसको। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इस पौधे का, वो
सीड के द्वारा होता है, क्योंकि जब फूल आते हैं फूल के बाद इसके सीड गुच्छे में लगते हैं। एयर लेयरिंग के द्वारा और भी वैसे भी पौधे को तैयार कर सकते हैं। अब जो पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं उस पौधे का नाम है जूनिपरस। ये एवरग्रीन पौधा है, फॉलिएज प्लांट है, और इसकी ग्रोथ बड़ी अट्रैक्टिव होती है। इसकी जो हाइट है, पौधा लंबाई में बढ़ता है, और इसका जो शेप है वो कौन शेप हो जाता है, देखने में बड़ा ब्यूटीफुल पौधा है, ग्रीन होता है, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनका थोड़ा सा लाइट ग्रीन भी पत्तियाँ होती हैं। तो दूसरी चीज़, इस पौधे को अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो जहाँ ओपन प्लेस है, जहाँ सनलाइट सफिशेंट है, वहाँ ये आसानी से ग्रो हो सकता है। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं नीडल शेप होती हैं और थोड़ी थिकी नेचर की होती हैं, चमकदार होती हैं, और सबसे बड़ी इस पौधे की विशेषता ये है कि ये पौधा जो है पॉट में लगाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है, बेड में लगाने के लिए बहुत अच्छा पौधा है, और जहाँ कॉर्नर वगैरह होते हैं कि और पौधा जहाँ सनलाइट अच्छी आती है, कॉर्नर वगैरह है, जहाँ ब्यूटीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पौधे का हम यूज करते हैं। अब जो आप पौधा देख रहे हैं, सीजल पीनी या पुलचुरमा भी कहते हैं, हिंदी में उसे गुलटोर्रा भी कहते हैं, हम जो पौधे बता रहे हैं उनमें ये इस पौधे का भी अपना महत्व ये है कि ये पौधा भी कम केयर में ये पौधा ग्रो हो जाता है और कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं, और ख़ासकर यहाँ रोड साइड हो या और बाउंड्री वाल हो उसके किनारे इस पौधा लगाएंगे। और इसकी विशेषता ये है कि फास्ट ग्रोइंग है, इसका दूसरा नाम इंग्लिश में पीकॉक फ्लावर भी कहते हैं, और ये झाड़ी नेचर का पौधा इसलिए क्योंकि ब्रांचिंग बहुत होती है और ये उसी कैटेगरी में आता है पौधा। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ऑरेंज स्कारलेट फ्लावर्स हैं और येलो कलर के भी फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स हैं गुच्छे में आते हैं, और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, गुल मोहर से मिलती जुलती पत्तियां होती हैं इसके पौधे के फूल, और ये सीड से मल्टीप्लाई होता है। जब इसमें फूल आते हैं तो इसमें फलियां लगती हैं, और फलियां जब मैच्योर होती हैं तो फिर अपने आप गिर जाती हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं। अच्छा फ्लावरिंग पौधा है, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी प्लेस पर उसको आप लगा सकते हैं। अब जो पौधा देख रहे हैं उसका नाम है हिमालय पैटर्न्स, या ऐसे फायर बुश भी कहते हैं, हमिंग बर्ड बुश भी कहते हैं, स्कारलेट बुश भी कहते हैं। ये बड़ा कॉमन पौधा है और जहाँ जो गार्डन आपने देखे होंगे ये पौधा ग्रो करते हैं। हिमालय पैटर्न्स की पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और ये नोड से निकलती हैं, तो एक नोड में प्रायः 3 पत्तियाँ निकलती हैं, कभी कभी 7 पत्तियाँ भी एक नोड से निकलती हैं, और इनके फूल का कलर जो होता है ऑरेंज टू रेड कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, और बहुतात से पूरे पौधे में पाए जाते हैं। वैसे तो मोर और लेस साल भर इसमें फूल रहते हैं, लेकिन जब पीक सीजन पे होता है तो इस पौधे का कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा देखने में लगता है। अब हम आपको जिस पौधे के बारे में बता रहे हैं उस पौधे के नाम हरसिंगार है, वैसे पारिजात भी कहते हैं। ये श्रब्स है और इसकी लंबाई जो है 10 मीटर तक हो सकती है, और इसकी विशेषता ये है कि फ्लावर हाईली सेंटेड होते हैं इसके। शाम के टाइम जब फ्लावरिंग होती है तो इसमें जो वाइट कलर के फूल होते हैं उसमें बीज और बीज का स्थान जो होता है वो रेडिस होता है या पिंकिस होता है फूल का, और बड़ा हार्डी नेचर का पौधा है। और दूसरी चीज़, पौधे की विशेषता है इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो रफ होती हैं, खुरदुरी होती हैं, थोड़ी हेयरी लीव्स होती हैं, और ये पॉल्यूशन के लिए बड़ा अच्छा पौधा माना जाता है। जहाँ डस्ट पॉल्यूशन है या और तरह का पॉल्यूशन है उस तरह के पौधा इंडोर प्लांट कर सकते हैं, आउटडोर में भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर का मतलब हमारा जो है अपने घर के सामने जो बालकनी का स्पेस है, ओपन स्पेस होता है, उस पौधे को लगा सकते हैं हम, और गार्डन में लगा सकते हैं इस पौधे को। और खासकर और तो ये पॉल्यूशन भी कंट्रोल करता है, फूल भी देता है, और साथ साथ इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। मेडिसिनल वैल्यू के साथ में देखा जाए तो इस पौधे की जो पत्तियां हैं उनको उबाल कर उनका हम जो काढ़ा बनाते हैं उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है गर्दन का दर्द और शरीर के दर्द होते हैं उसमें हम मेडिसिनल वैल्यू के तौर पर भी इसके यूज करते हैं। तो ये पौधा फ्लावरिंग भी है, पॉल्यूशन कंट्रोल के हिसाब से भी अच्छा है, और इसका मेडिसिनल महत्व भी है। तो ओवरऑल देखा जाए ये पौधा बड़ा इंपॉर्टेंट पौधा है, और इस पौधे का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो सीड के द्वारा भी होता है और कटिंग के द्वारा भी होता है। अब हम जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं उस पौधे का नाम है थूजा, ऐसे मोरपंखी भी कहते हैं, और प्रायः बच्चों ने देखा वो विद्या का पौधा भी कहते हैं, ये स्कूलों में लगा होता है और बच्चे इसकी पत्नी अपनी किताबों में रखते हैं। मेडिसिन वैल्यू है,
उसके साथ साथ इस पौधे को एवरग्रीन होने के नाते इस पौधे को हम साल भर हरा भरा देखते हैं और इसके हम टॉपेरी बनाते हैं। डिफरेंट शेप में बनाने के लिए पौधा बेस्ट पौधा है। इस पौधे की जो हाइट है 3 मीटर 4 मीटर और कभी कभी इससे ज़्यादा बहुत लंबी हाइट तक भी पौधा जा सकता है। टॉपेरी में पौधा होता यूज करते हैं तो कभी कभी बहुत लंबी हाइट तक भी पौधा जा सकता है, लेकिन देखा जाए ये पौधा झाड़ी नेचर का पौधा है। उपयोगिता के हिसाब से इसको मेंटेन करते हैं और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नीडल शेप होती हैं और जो उनकी जनरली लंबाई 1 to 10 millimeter होती है, नीडल शेप्स होती हैं। गुच्छे में पौधा दिखाई देता है और डार्क ग्रीन कलर का पौधा होता है। लस ग्रीन, डार्क ग्रीन के साथ साथ ही डेंस उसकी कैनोपी होती, बड़ी डेंस होती है। और ये पौधा जो है विभिन्न तरह से हम यूज करते हैं और भारत में ये बहुत याद से उगाया जाने वाला श्रब्स है। अब हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं उस पौधे का नाम टिकोमा है। ये श्रब्स भी है और एवेन्यू के तौर पे भी हम इसको लगाते हैं। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो टूथ शेप्ड पिन्नेट ग्रीन लीव्स हैं और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो गोल्डन येलो कलर के ट्रम्पेट शेप्ड होते हैं। और साथ साथ इस पौधे में ड्रॉट टॉलरेंट है, ये जहाँ सूखा जहाँ पानी की कमी है उस पौधे को ग्रो कर सकते हैं और ये पौधा आसानी से कम पानी में भी सर्वाइव हो जाता है। और जब फूल आते हैं तो इस ये पौधा है डिफरेंट तरह के जो बीज हैं, बटरफ्लाईज हैं और हमिंग बर्ड जो काली छोटी चिड़िया होती है उसको अट्रैक्ट करता है। और फ्लावरिंग के बाद में इसमें पॉड बनती हैं और जो पॉड होती हैं और पॉड से सीड बनते हैं और सीड जो है इस पौधे को मल्टीप्लाई करने के लिए आसान सबसे अच्छा तरीका है, वो सीड से मल्टीप्लाई होता है। और जब हम सीड की सोइंग कर देते हैं तो अपने आप पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये पौधा हार्डी नेचर का है, ड्रॉट टॉलरेंट है और फ्लावरिंग है, येलो कलर के फूल आते हैं और बड़ी एडवर्स कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है। अब हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं उस पौधे का नाम है लेंटाना। वैसे तो लेंटाना वीड है, ये वीड वाला पौधा है, लेकिन इसे हम ऑर्नामेंटल तरीके से भी या ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी ग्रो करते हैं। उनकी और स्पीसीज होती हैं जो ड्वार्फ नेचर की हैं। इसमें कलर कम्बिनेशन देखा जाए तो रेड, येलो, ब्लूज कलर, कई तरह के फूल लेंटाना में आते हैं, बड़े ब्यूटीफुल फूल होते हैं। और इसकी जो ग्रोथ होती है कुछ तो ऐसे हैं जो झाड़ी शेप में बनते हैं, कुछ की ग्रोथ ऐसी होती है छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो बेड होती हैं फ्लावरिंग बेड उसमें उसे ग्रो करते हैं या इसको हम गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। विशेषता ये है कि बहुत हार्डी नेचर का होने के कारण इसकी केयर कम करनी पड़ती है, कम पानी में कम केयर में इस पौधे को हम ग्रो कर सकते हैं और इसकी जो हाइट है वो अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। जो कुछ ड्राफ्ट हैं जो छोटी बेड में लगाते हैं, कुछ की हाइट ऐसी जो 5-7 फीट तक का पौधा तैयार कर लेते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो खुरदरी होती हैं, थोड़ा सा रफ होती हैं, फूल गुच्छे में आते हैं। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेंटाना का वो सीड से भी होता है और भी तरीके से हो सकता है वो। तो ये पौधा बड़ा हार्डी नेचर का पौधा है और हार्डी नेचर के साथ साथ में इस पौधे को कहीं भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आपने इस वीडियो में विभिन्न तरह के झाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने वो सब झाड़ियों के बारे में बताया जो एवरग्रीन नेचर की थी या जिनमें फॉलिएज हरा होता है या फ्लावरिंग होती है। तो कुछ पौधे या झाड़ियाँ ऐसी थी जिनमें अच्छे फूल आते हैं, कुछ में अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, इनका कलर हरा भरा होता है और पत्तियों का कलर अच्छा होता है। तो और कुछ झाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बेरी वगैरह लगती हैं, उनकी और ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। तो इन झाड़ियों को बताने का उद्देश्य ये था कि जो विभिन्न झाड़ियाँ हैं ये इनका गार्डनिंग में अपना महत्व है। हम हैज बनाते हैं उनमें झाड़ियों का यूज करते हैं या हम फेंसिंग बनाते हैं तो उनमें झाड़ियों का यूज करते हैं। साथ साथ हम डिफरेंट तरह की जो डिज़ाइन देते हैं या आर्चेज बनाते हैं या टॉपियरी बनाते हैं इन सब में झाड़ियों का यूज करते हैं। और ये झाड़ी ऐसी हैं कि जो इन्हें डिफरेंट शेप में ढाला जा सकता है और ये बड़े हार्डी नेचर की होती हैं। और ये फिलर्स हैं, इनके बिना गार्डन की कल्पना नहीं कह सकती है। जो अच्छे गार्डन होते हैं उनमें झाड़ियों का हम डिफरेंट तरह के यूज करते हैं। जो ब्यूटीफुल फेंसिंग बनाना हो, सरप से सर्वरी बॉर्डर बनाना हो, उनमें झाड़ियों का उपयोग करती हैं। तो ये झाड़ियाँ गार्डन में एक लुक प्रदान करती हैं, एक अपना स्थान होता है। साथ साथ ये वातावरण के हिसाब से देखा जाए तो हम जो घर में लगाते हैं चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो ये वातावरण को शुद्ध भी करती हैं।
और बहुत सी झाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो ब्यूटी के साथ साथ, फूल के साथ साथ हमें मेडिसिनल वैल्यू भी रखती हैं और हमें औषधि गुण होने के कारण उनका हमें डे टू डे हम यूज भी कर सकते हैं। आपसे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने परिवेश में जहाँ रहते हैं उसके आसपास, अपने विद्यालय में ये ऑब्जर्व करेंगे, ये देखेंगे कि किस तरह के पौधे आपके यहाँ ग्रो हो रहे हैं, उनमें कौन कौन से झाड़ीदार पौधे हैं। हमने कुछ पौधों के बारे में आपको जानकारी दी, उनके अलावा भी बहुत से पौधे ऐसे हैं जो आपके परिवेश में उगाए जा रहे होंगे, उनकी आप जानकारी इकट्ठी करेंगे और उनमें अपने जो आप उसको उचित लगेगा उनमें कम से कम एक छात्र चार झाड़ीदार पौधों को गमले में या अपने जो फील्ड होगा उसमें ग्रो करेगा। इससे आपको पौधे उगाने की विधि, पौधों के प्रकार के बारे में जानकारी होगी और साथ साथ वातावरण को शुद्ध करने में भी अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद।